ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। क्या कभी ने कोई भी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या किसी व्यक्ति ने आपकी अच्छाई का मिसयूज किया है, या आपके सरल होने का, अच्छे होने का, आपके मदद करने वाले भाव का गलत फायदा उठाया है? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक मंत्र है, जो मंत्र अगर आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, इस मंत्र को आप अगर प्रयोग करेंगे, तो उन लोगों के साथ उचित न्याय होगा। उचित न्याय होने से मतलब वो लोगों ने जो घटना की है या जो चीजें की है, उसका उन्हें सही फल मिलेगा, अर्थात जो भी उसका उचित दंड होगा ईश्वर उन्हें जरूर देगा। क्योंकि लोगों अक्सर ये आपके साथ होता रहता है, इस वजह से आप परेशान भी होते होंगे, लेकिन अब परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। कुछ चीजें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, उन पर अगर आप काम करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, और इस परेशानी से आप हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वह नाम आप लिख सकते हैं। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कभी भी किसी व्यक्ति ने कुछ भी बुरा किया है, आंशिक मात्र से मन में ये ख्याल भी आ गया कि इस व्यक्ति का मुझे बुरा करना है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आप उदाहरण तौर पर देख भी सकते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ कभी भी छल कपट या धोखा दिया, वो वर्तमान में आपको खुश नहीं दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा मंत्र है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी की मदद करें, नेकी करें, दरिया में डालें, उससे किसी भी प्रकार से ऐसा भाव न रखें कि ये हमारी मदद करेगा, ये हमारा सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा भाव है तो आपकी मदद सच्ची मदद नहीं है। आप सिर्फ मदद करें और मदद को दरिया में डाल दें। हम सिर्फ ईश्वर के, जो हमें चीजें ईश्वर ने अता की है, हम उसका धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। हमें जिस भी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं उससे कुछ नहीं चाहिए, तो ये बहुत आसान होगा चीजों को समझने के लिए। तीसरी बात कि कभी भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करने में सक्षम है या आप किसी की मदद करने के लिए अपना भाव आगे बढ़ाते हैं, तो आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ भगवान है। अब ये बात कई बार हो जाती है कि हम इस चीज को मानने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन जो होता है घटनाएं हमारे साथ, वो बाद में हमें पता लगता है कि वो घटनाएं हमारे अच्छे के लिए हुई थी। इसलिए इस बात को हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध कर रखें, और जो मंत्र है जिसका जाप करना है, अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर अपने गुरु मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे तो इन तरह की कठिनाइयां आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। इन कठिनाइयों से आपको समझने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और चीजें जो हैं आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किसकी मदद करना है, किसकी नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर जरूर अपॉइंटमेंट लो और एक बार बात करें, शायद आपकी परेशानी का समाधान यहीं पर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।